और झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर समाज में बेहतरीन कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में पासवा के अध्यक्ष आलोक दुबे को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सम्मानित किया। मौके पर हमारे सहयोगी सौरभ रॉय से बातचीत करते हुए आलोक दुबे ने क्या कहा, देखे। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर हर साल उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को, समाज सेवी लोगों को सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष झारखंड विधानसभा अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। हमारे साथ आलोक दुबे जी मौजूद है, पासवा झारखंड के अध्यक्ष हैं। इनको भी आज अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है। भैया, आज आपको सम्मान मिला है उत्कृष्ट कार्य के लिए, किस प्रकार से आप पासवा के माध्यम से एडुकेशन के क्षेत्र पर कार्य करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? तमाम विशिष्ट अतिथियों के द्वारा आपको सम्मान मिला। देखिए, ये झारखंड का सबसे बड़ा गौरव सम्मान है, जहां सामाजिक क्षेत्रों में कार्य किए लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम किया। सारी दुनिया जब बंद हो गई थी कोविड महामारी के दौरान, सारे काम दुनिया में हो रहे थे सिवाय पठन पाठन के, तब पासवा ने ये जिम्मेदारी उठाई। हम अपने माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जी के साथ मिलकर के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से मुलाकात किया, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात की, कई लोगों से मिला हमने। और हम लोगों ने कहा कि जया दरेश जी हम लोगों के साथ आए, सुखदेव सिंह जी से मुलाकात किया कि अगर स्कूल नहीं खुले तो देश 1947 के दौर में पड़ जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। हमारी बातों को सरकार ने महसूस किया और हमारे प्रयास से कोविड महामारी के दौरान झारखंड पहला स्टेट बना जहां स्कूल संचालन की अनुमति दी गई। एडुकेशन के क्षेत्र में झारखंड के ग्रामीण सुदूर इलाके जो हैं वो अभी भी पीछे रह गए हैं, 23 साल का झारखंड हो गया उसके बावजूद भी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, क्या कोई स्ट्रेटेजी रहेगी जिसके माध्यम से वो जो दूरी है वो कम किया जा सके? देखिए, वही चीज़ मैं आपको कह रहा था, आप रोक दिए मुझे बीच में। स्कूल खुले, नौनिहालों को स्कूल भेजा गया, पेरेंट्स को तैयार किया गया, मोबाइल के दुष्कर्म से बचाने की कोशिश की गई जो इंटरनेट का प्रभाव हो गया था, स्कूलों में बच्चों को टीकाकरण का इंतजाम हम लोगों ने किया कोरोना के दौरान सरकार के साथ मिलकर। बच्चों को वातावरण बनाने के लिए हम लोगों ने 15,000 बच्चों को एक मंच पर लाकर सम्मानित किया, शिक्षकों को सम्मानित किया गया। हम लोगों ने महसूस किया कि आज भी निजी विद्यालय बैकबोन है इस एजुकेशन सिस्टम के। सरकार को चाहिए कि निजी विद्यालयों के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए, ये भी इनके बच्चे हैं, तभी जा करके शिक्षा का अलग जो है वो जगा सकते हैं। बीपीएल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कहते तो हैं, लेकिन बीपीएल को बच्चे जो पढ़ाते हैं, कई सरकारी प्राइवेट स्कूल बिना किसी सहयोग के बीपीएल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 50% कंसेशन दे करके पढ़ा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उनको सहयोग करे। आज हम लोग उनको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियों का एहसास भी, नए उमंग उत्साह ऊर्जा के साथ हम पासवा के बैनर तले शिक्षा का लक्ष्य जगाने का अपना प्रयास जारी रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज को इसका लाभ मिल सके। तो आपने देखा किस प्रकार से इनका कहना है कि शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास लगातार पासवा के माध्यम से किया जाएगा। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी संतु के साथ अनाचा।